अनुपम जी आपको कैसे लग रहा है मेरे हीरो आज के फिल्म में? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थ्रिल्ड विद द रिस्पांस ऑफ द ट्रेलर. वो ट्रेलर का रिस्पांस जो है वो उसकी एक वाइब होती है जो पता लग जाती है, और उसकी वाइब की जो सच्ची टेस्ट जो होता है वो मीडिया से होता है. मीडिया वाले बड़े वरना आप बोलते नहीं कि सवाल शुरू करने से पहले कि ट्रेलर बहुत अच्छा था, बोलते सीधा सवाल शुरू करते. मैंने तो एक दो लोगों से पूछा भी कि आप तो सबको बोलते हैं कैसे लगा, तो उन्होंने कहा नहीं हमको अच्छा लगा, विच इज़ ए ग्रेट साइन बिकॉज उनकी आदत है रोज नए नए ट्रेलर देखने की. तो जो हम कम्युनिकेट करना चाहते थे कि अलग किस्म की एडवेंचर फिल्म है, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म है, वो हम उसमें कामयाब हुए. तो ये तो ट्रेलर है, अभी जब फिल्म आएगी तो फिर तो बहुत अच्छी लगेगी. मैं और नीना डिस्कस कर रहे थे कुछ सीन्स जो नीना ने अभी पूरी नहीं देखी है, मैंने देख ली है और मेरे घर वालों ने भी देख ली है, नीना जी के हस्बैंड ने भी देख ली है. उनकी तरफ से मुझे लगता है सबसे बेटर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट उनका बेस्ट आया. एक तो वो निकलने वाले थे बिकॉज हमारे ट्रायल स्क्रीनिंग में थोड़ा टाइम लग गया टेक्निकल वजह से, तो उन्होंने कहा मेरे को कि मैं जा रहा हूँ यार, मेरे को कहीं जाना, जाना था। तो मैंने कहा थोड़ी देर देख लो फिर उसके बाद चले जाना. थोड़ी देर क्या, वो पूरी पिक्चर देख के गए और बोले कि फोन आया कि मैं देख लूं, मेरे को बड़ी अच्छी लग रही है. हाँ, और फिर एंड में बोले कि इसमें तो कोई गलती है ही नहीं. फिर नीना ने कहा कि हर चीज में गलती निकालते हैं ये. तो आई थिंक दैट्स अ बिग थिंग. एंड मेरी मदर ने भी बड़ा अच्छा रिएक्शन दिया. उसने कहा तू, उन्होंने 11:30 बजे रात को मुझे फोन किया पिक्चर देखने के बाद, उन्होंने कहा तू ये कैसे करता है. मैंने कहा क्या कैसे करता हूँ, दैट मींस दैट इज द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट शी इज गिविंग अस. जी, एक मैं अभी जैसे कमेंट्स आते हैं ना तो आदमी सोचने लगता है, कुछ और सोचने लगता है कि अरे मैंने तो ऐसा सोचा नहीं था पिक्चर करते वक्त. तो लोगों को जो दिखता है, क्योंकि हम तो उसमें घुसे होते हैं ना रोल में, तो अभी जब ये आज इंटरव्यू जो दे रही थी तो मुझे एक और चीज रियलाइज हुई कि अगर ये समझो, आप ये समझ के चलो कि स्टोरी है कि कैसे शिव शास्त्री एल्सा को प्रॉमिस करता है कि तेरे को मैं इंडिया छोड़ कर का टिकट का बिठा के आऊंगा. तो उस हम ये कह रहे हैं कि उसके बीच में जो स्टोरी है वो उसमें बड़ा मजा आता है, ये होता है वो होता है, लेकिन आई वॉज जस्ट थिंकिंग कहीं भी कैरिकेचरिश नहीं है. क्योंकि ऐसा सब्जेक्ट जब होता है कि एक शिव शास्त्री जो इतना वो है और बड़ा वो है और उन्होंने नाइट सूट पहना है और मैं अपनी धोती वो पहन के, तो कैरिकेचरिश होने की बहुत संभावना होती है. जो इसमें नहीं हुई, थैंक्स टू यू, बिकॉज इट्स सो रियल. हमारे छोटे छोटे नुआंसेस कितने रियल है. इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, इनको बार बार सुसु जाना पड़ता है, यू नो. सो मेनी पीपल विल आइडेंटिफाई. मैं आपको बता रहा था कि लास्ट सीन में जो इतने खूबसूरत मोमेंट अर्जुन ने बहुत ही सेंसिटिविटी से इसे डायरेक्ट किया, लिखा है. इट वॉज ईजी फॉर अस टू गेट इन टू इट. एंड ऑल्सो आई मस्ट से दैट ही इज अ वेरी लार्ज हार्टेड डायरेक्टर हु इनकॉर्पोरेट्स द सजेशंस ऑफ द एक्टर्स. वो एक कॉन्फिडेंट डायरेक्टर की सबसे बड़ी निशानी ये है कि वो अपने एक्टर्स की सजेशन सुनता है और अगर उनको अच्छी लगती है तो उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं. नहीं नहीं, सच बात है, बहुत है. अनुपम, आपने शिव शास्त्री बलबाव के कैरेक्टर में क्या एडिशंस किए अपने तरफ से एज एन एक्टर? मैंने बाल लगाए. नहीं, आई थिंक बहुत सारी, क्या है कि जब ऐसी कास्ट हो जिसमें सबको एक्टिंग तकरीबन आती है तो आपको इम्प्रोवाइज करने में मज़ा आता है. हर सीन में लगता है कि इसमें थोड़ा सा नीना के कान में फुसफुसा दो कि ऐसे भी हो सकता है, नीना मुझे बोल दे कि इसमें ऐसे ट्राई कर सकते हैं. जैसे वो जो सीन है जिसमें वो बाइकर्स आते हैं हमको धमकाने के लिए, हमें गांव में फंस जाते हैं, अमेरिकन गांव में. अमेरिका के लिए गांव इस्तेमाल करना बड़ा अजीब है, मगर अमेरिका में बहुत सारे गांव हैं. सो दैट्स अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज़ जनरली व्हेनेवर हिंदी फिल्म्स गो, इट्स ऑलवेज सेट इन सिटी. दी ओनली फिल्म है व्हिच इज एक्चुअली सेट इन अ गांव इन अमेरिका. यू सी लाइक इट्स जस्ट लाइक इंडिया, ऐसे ही पीपल आर, इट्स द सेम इश्यू, यू नो, पीपल आर अनएम्प्लॉयड, पीपल आर लुकिंग फॉर जॉब्स, मेंटालिटी वैसी है. तो उसमें बहुत सारी चीजें हमने इम्प्रोवाइज की. जो हमारे मोटर बाइकर्स थे वो एक्टर्स नहीं थे, मगर अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने. बहुत अच्छी एक्टिंग की है. एक को मेरा क्या, एक को अच्छा गन पॉइंट कर दिया. हाँ, एक को ना एक को मोटे मोटे सब तगड़े सारे तो एक्टिंग करनी थी. फिर बाइक पे तो ठीक था, तो एक्टिंग करनी थी और उसको गन लेके मुझे ऐसा करना था, गन लेके मुझे धमकाना था. वो इतना डरा हुआ था
कैसे मेरे को गन ले लिया, हमने एटलीस्ट 20 शॉट लिए उसके से, वो ऐसा करके ना ऐसे कर ही नहीं पाता था। फिर इन्होंने उसको समझाया, मैंने कहा डोंट वरी आई एम ओके, यू कैन टच इट हियर, यू कैन टच इट हियर। बट उसमें दो जज्बात हैं, एक तो ये आपने जो बोला, दूसरा ये उनको सू होने की बड़ा डर रहता है कि कहीं उनसे गलती से ज्यादा जोर से दब जाए और आप कहते हैं ये इतनी जोर से तुमने मुझे दबा दिया, आई एम सूइंग यू। तो वो उसमें आई डोंट थिंक ओनली दैट बट दे वर वेरी स्वीट, जितने भी हमने सीन्स किए उनके साथ। फिर हमारा जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो सेट पे जब होता था तो और किसी पे ध्यान नहीं जाता, दैट वाज द स्मॉल डॉगी, ही वाज द बिगेस्ट सुपरस्टार। मैं उसको क्या बुलाती थी, आई कुडंट से कैस्पर ना, नहीं हां आप कैप्सूल, मैं तो कैप्सूल बोलता था, आप कैस्पर नहीं, आप तो कैस्पर बुलाते थे। तो आई थिंक दिस फिल्म हैज एलिमेंट फॉर एवरीबॉडी, द एल्डर जनरेशन विल रिलेट विद अस, द यंगर, जो बीच की जनरेशन है, जो मेरे बच्चे हैं, जो जिसमें ये अपना जुगल हंसराज है, वो ना इधर के हैं तो सेकंड, वो ना उधर के हैं, और तीसरी जनरेशन के जो हमारे पोते, मेरे पोते ने हुकुम किया, वो बिल्कुल अमेरिकन है। सो इट्स ए कॉन्फ्लिक्ट अबाउट दैट। बट आज जो हमने बात करते करते रियलाइज किया कि इवन दो मैं इसको भगा के ले जा रहा हूँ एयरपोर्ट और इनका पासपोर्ट चोरी हो गया है, वो सिर्फ पैनिक सिचुएशन नहीं है थ्रू आउट, अब क्या होगा, इट इज ऑल्सो दे गो टू बोलिंग एली, दे गो टू हॉट एयर बैलून में भी जाते हैं, दे लिव देयर लाइफ एंड दे आर वेटिंग फॉर द थिंग्स टू, उसमें जितना टाइम लगना है। अब ये तो है नहीं कि उस टाइम के हमें काम भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमें, हमारे पास पैसे नहीं है तो कोई हमें मुफ्त में तो नहीं रहना खाना देगा, तो हम काम भी कर रहे हैं और काम के बीच में चलो ये मस्ती हो रही है तो हम भी चले गए। इट्स अ वेरी हैप्पी थिंग कि अब और क्या करोगे, बैठ के रोते रहोगे या दारू पीते रहोगे ना, यू नो। कल उसने, वो एंकर ने बड़ा अच्छा बोला, फिल्म में ब्यूटी भी है, ब्रेन्स भी है, ब्रॉन्ज भी है और एंटरटेनमेंट भी है। नरगिस एंड शारिफ ने भी बहुत अच्छा काम किया, एंड वी मस्ट ऑल्सो से आवर प्रोड्यूसर्स हैव डन ए फिनोमिनल जॉब टू प्रोड्यूस दिस फिल्म, बिकॉज क्या कि इतनी बड़ी फिल्म नहीं है ये, एंड टू प्रोवाइड अस विद एवरी फैसिलिटी। हमारा जो यूनिट था वो छोटा था, मगर उन्होंने जो जो आई थिंक अर्जुन ने मांगा एज ए डायरेक्टर, हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर किशोर वैरियत ने, हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर नीता आशुतोष वाजपेयी साहब ने, हमारे प्रेजेंटर मिस्टर राठी ने, इस तरह से इतना आयाम स्थापित किया है, ये पूरी टीम का टीम वर्क का एक जीता जागता उदाहरण है। और खाना जो हमको लोगों के घरों में न्यू जर्सी में, जो हर गांव में भी, दूर गांव में भी एक इंडियन फैमिली होती थी, एंड अपने घर से खाना लेकर आते थे, पकवान लेकर आते थे, लस्सी लेकर आते थे, बहुत, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। और अगर आपने फिल्म की शूटिंग में ग्रेट एक्सपीरियंस किया है तो वो फिल्म में भी नजर आता है, हमेशा हमेशा। बहुत आपसे इल्तजा है, गुजारिश है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप 10 फरवरी को हमारी फिल्म शिव शास्त्री बेलबोआ रिलीज हो रही है, जो अर्जुन जी ने डायरेक्ट की है और हमने और इन्होंने और जो आप इस समय आने हैं उनमें उसमें काम किया, आप जरूर देखिए, आपको अच्छी लगेगी, आप परिवार के साथ देखो ना, पूरी फैमिली के साथ देख सकते हैं, और ओटीटी का वेट मत करो। हाँ, फरवरी 10 को थिएटर्स में है इंडिया में सब जगह ना। यस, थैंक यू। देख के मुझे कमेंट्स बताना इंस्टाग्राम में कैसी लगी, ये बहुत जरूरी है। बहुत बहुत मज़ेदार, जब हमारी फिल्म में एंट्री होती है, जब इनकी फिल्म में एंट्री होती है तो और एक्स्ट्रा स्पाइस ऐड कर देती हैं, बहुत बहुत। इनफैक्ट जब ये शूट पर भी आती हैं तो मतलब द माहौल अराउंड इट बिकम्स वेरी स्पाइसी। Oh my gosh, I loved my character, Sia. She was a fun, bubbly, loving character. But I think the best part was that I got to be alongside this character, Cinnamon Singh. And when you guys see the movie, you'll understand why. Thank you. And of course, reading the entire script, the story was just amazing, like real, relatable, and original. So I knew that I wanted to be a part of this film. How was it playing Cinnamon Singh's Nicole Kidman? Oh my gosh, I really enjoyed playing your Nicole Kidman. Exciting actually, क्योंकि हम तो काम में ही इतना enjoy कर रहे थे और जो scenes थे वही इतने मतलब fun वाले थे कि उसके अलावा और कुछ extra fun activities तो हुई नहीं, और हमने बहुत जो scenes थे उसमें बहुत enjoy किया while shooting the film.
बहुत मज़ेदार रहा पूरा एक्सपीरियंस जो था. मैं तो हम तो गाने वाने गाते रहते थे बिटवीन शॉट्स और मस्ती करते थे. I heard that I was special since I was little. But it makes me happy to know that I could bring something like that to the table and to color correct or brighten up something or spice it up. The mahal, yeah. I just like spiced up the mahal. Yeah, I mean, what can I say? I'm glad that you can see that on screen. You would be my desi Tom Cruise. जो अनुपम नीना नरगिस शारिब से करे प्यार वो शिव शास्त्री बालबोवा से कैसे करे इनकार.